हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो आप मेरा ये कार देख रहे होंगे, सोचोगे कार का फोटो क्यों है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ही बड़ा घटना से हम बच गए। तो आप कार का फोटो देख के तो समझ ही गए होंगे कि कुछ कार में हुआ है, एंड आज का ब्लॉग कार के लिए ही है। एंड हम लोग बहुत बड़े संकट से बच गए, एंड थैंक्स टू गॉड कि वो हमें सेफली बचा लिया। एंड हुआ क्या कि हम खजियार से जैसे बैक चार मतलब घर आ रहे थे, तो उसी टाइम पठानकोट के साइड में तो माँ पापा जी तो थोड़ा कहीं रुक गए थे काम से, एंड हम दोनों थोड़ा वापस उन्हें जा रहे थे लेने के लिए। मतलब हम कहीं गए थे कुछ काम से, तो उन्हें पिकअप करना था एंड उसके बाद हमें वापस अपने घर आना था। तभी उसी बीच में एक ट्रक ने क्या किया, हमारे राइट साइड में कार के जो राइट साइड में उधर पे पूरा मतलब कि पूरा गाड़ी को सटा दिया वो। एंड सटा के धीरे धीरे हमारी गाड़ी पूरा ऊपर उठने लगी थी, राइट साइड से ऊपर उठने लगी थी, बहुत ज़्यादा टच कर दिया था। एंड राइट साइड में बहुत ज़्यादा ही डेंट पड़ गया था, एकदम डीप डेंट हो गया था, जिसके वजह से राइट साइड की जो सेकेंड वाली डोर है मतलब पीछे की लास्ट वाली डोर है वो खुली नहीं रही थी। सो मैं जिस ट्रक की बात कर रही थी वो यही ट्रक है, देखिए ब्लू कलर की ट्रक है एंड कितनी स्पीड से ये भाग रही है। एंड हमारी कार यहाँ पे पीछे है एंड हस्बैंड एकदम टेंशन में, हम लोग एकदम सुन पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग तो गूज़बम्स आ गई थी एंड पूरा काँप रहा था हमारा पूरा हाथ पैर सब कुछ। एंड यहाँ पे देखिए फाइनली जाम था, जिसके वजह से ये ट्रक यहाँ पे रोका एंड हम लोग फटाफट उतरे एंड उस ट्रक ड्राइवर को बोले कि आपको नीचे उतरना है, नीचे उतरिए। तो कैसे कैसे करके हमने इस ट्रक ड्राइवर को रुकाया एंड ये ट्रक ड्राइवर रुका एंड ये बोल रहा था कि आगे आइए, पर साइड मतलब आसपास के जो आदमी लोग हैं वो लोग भी सब साथ में आ गए थे, मतलब सब भीड़ हो गया था एंड वो लोग पूछने लगे कि क्या बात है। तो हमने बताया ऐसा ऐसा बात है कार के बारे में हमारी, तो उन्होंने भी मिल के इस ट्रक ड्राइवर से बोला उतरने। हमने बोला भी कि उतरने, फिर भी ट्रक ड्राइवर जैसे ट्रैफिक मतलब खुल गई वैसे ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी एंड हम लोगों को मतलब फिर से गुस्सा आने लगा कि हम बोल रहे उतरने फिर भी वो आगे जा रहा था। तो आसपास के जो आदमी लोग हैं वो लोग भी आगे गए एंड मतलब हस्बैंड भी गए आगे एंड बोले कि ट्रक वालों को उतरने। फिर फाइनली सब कोई जब आगे गए ट्रक के आगे तब वो उतरा एंड वो हमारे कार के पास आया एंड हमने उसे अपनी कार की हालत दिखाई, जिसने हमारी ये कार की जो ऐसी हालत की है। सो यहाँ पे है ड्राइवर एंड हमने उसे अपनी कार में ही बैठा के इन्हें वर्कशॉप तक लेकर आए एंड यहाँ पे फिर देखिए कैसे उन्होंने मतलब देखा कार की हालत एंड फिर उन्होंने बताया कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना क्या रिपेयर करेगा एंड बहुत डीप डेंटिंग पड़ चुकी थी, डेंटिंग पेंटिंग भी करवानी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि डोर काफ़ी कमज़ोर हो गई है एंड साइड वाली तो खुल भी नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप पूरा डोर ही चेंज करवा लो, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने उसे पूरा डोर चेंज करवाने वाला जैसा पैसा ऐसा नहीं लिया, जस्ट रिपेयर का जितना उसका रिपेयर होता है उन्होंने बताया कि फ़िलहाल के लिए रिपेयर भी करा सकते हैं एंड रिपेयर का कितना कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का हमने 40% उनसे लिया। आगे कर लो, ये रुकी रहेगी, ट्रक इधर ही रहेगा।
सो ये कार भी एकदम भगवान जी का ही रूप है जिसने हमें एकदम सेफली बचा के यहाँ घर में हम सुरक्षित बैठे हैं। तो थैंक यू सो मच गॉड। एंड आप लोग को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार है और सपोर्ट है हमारे साथ, इसलिए हम लोग भी आज एकदम सेफली है। एक और बात बताना चाहूँगी मैं ड्राइवर के बारे में। स्टार्टिंग में हमें लगा कि वो ड्राइवर भाग रहा है एंड सच में वो भाग भी रहा था। फिर कैसे कैसे साइड आसपास के हेल्प से हमने उसे रोका एंड जब वो रुके तो वो बोले कि ठीक है चलो शॉप में। तो हम लोग शॉप में गए एंड उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका बनवाते, जितना रिपेयर का कॉस्ट होगा हम आपको देंगे। पहले तो उन्हें वो लगा, उन्हें लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा एंड हमें भी नहीं लगा था, क्योंकि काफ़ी डीप डेंटिंग पड़ चुकी थी एंड जो पीछे वाली डोर थी वो तो खुल भी नहीं रही थी। तो जो रिपेयर वाले शॉप के जो थे वो बोले कि मतलब कि डोर चेंज करना पड़ेगा एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट था एंड उतना वो एफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं पैसा मनी रिवील तो नहीं करना चाहूँगी, मतलब नहीं कर सकती कि उन्होंने कितना पे किया। बस इतना बोलूँगी कि जितना हमारी कॉस्ट पड़ रही थी उसकी 40% उन्होंने पे किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो ट्रक ड्राइवर अच्छा था, कम से कम कुछ तो हेल्प हुआ हमारा एंड हम भी उससे ज़्यादा फोर्सफुली एकदम ये नहीं कि हमें चाहिए इतना तो इतना चाहिए। मेरे हस्बैंड मतलब काफ़ी वो मतलब वो हो गए थे, उनको भी बहुत माया लगने लगा कि चलो क्या है, और वो भी ट्रक ड्राइवर भी हम भी सोचे कि उतना वो पे कर पाएंगे नहीं, तो इतना ज़्यादा फोर्सफुली भी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे काफ़ी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है छोड़ दीजिए, आप जितना हो रहा है उसके 40% दे दीजिए। तो उन्होंने 40% पे किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो YouTube फैमिली प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। नमस्ते प्रणाम बाय बाय।